morning, students. How are you all? तो छात्रों, पहली अवधि में हम संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल कर चुके थे। संख्या यानी एक से पचास तक, एक से पचास तक अभी आप जान चुके हैं, उसके बारे में पढ़ना लिखना सभी। तो आज हम क्या करेंगे, तो आज हम देखेंगे पढ़ना है जी पढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। चंद्रपाल सिंह यादव, चंद्रपाल सिंह यादव, उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो अब हमें देखना है उसका काव्य नाम क्या था। पढ़ना है जी पढ़ना है, चंद्रपाल सिंह यादव, इसका काव्य नाम क्या था, मयन। काव्य नाम था मयन। तो छात्रों, हम चंद्रपाल सिंह यादव मयन ने जो लिखा है ये क्या थे, बाल गीत रचने वाले, बाल साहित्यकार। इनका जन्म 1 नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कानपुर में। कानपुर में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। किनका, चंद्रपाल सिंह यादव मयंक का, इसके बारे में तो हम जान चुके हैं। तो आज हम मीनिंग के बारे में भी हम जान चुके हैं। तो अब हमें देखना है पद का आशय क्या है। इस कविता के द्वारा बच्चे पढ़ाई और मेहनत का महत्व समझते हैं। पढ़ाई, पढ़ाई और मेहनत, पढ़ाई और मेहनत का महत्व जो समझ गया वह इस दुनिया में कामयाब हो जाएगा। इस दुनिया में कामयाबी पाने के लिए पढ़ाई जरूर करनी है। जो भी काम करें हम मेहनत से करना। आप जानते हैं छात्रों, मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है। उसी तरह यहाँ पर चंद्रपाल सिंह यादव मयंक का कहना है, क्या कहते हैं देखिए छात्रों, यहाँ एक बार पढ़ेंगे हम, आप सुनो और मेरे साथ आप पढ़े तो भी बहुत बेहतर है। देखिए, पढ़ना है जी पढ़ना है, देखिए चलो, पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। चंद्रपाल सिंह यादव मयंक कहते हैं, पढ़ना है जी
ऊपर चढ़ना है। थोड़े दिन की बात अब है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। इम्तिहान में ताल टोंक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। देखिए जाता चंद्रपाल सिंह यादव का कहना है, हमें क्या करना है? पढ़ना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई मीन्स हुआ करी ओद। पढ़ना है जी पढ़ना है। ओद बेटी नाम में मतलब पूरी ओद बेटू। हमको क्या करना है? ऊपर चढ़ना है। कहाँ चढ़ना है? ऊपर। ऊपर मीन्स हुआ मेले, एक अच्छा स्थान इस समाज में, एक उच्च स्थान हासिल कर लेना है। ई समाज दल्ले वंदु वर्ल्ड उन्नतवागिरुव स्थानवन्न गळिसबेकु। किसको मिलता है उच्च स्थान? जो अच्छी तरह मेहनत से पढ़ाई करके आगे बढ़ता है, उनको ही उच्च स्थान प्राप्त होता है ना? जो जितने भी महान लोग हैं, या नहीं, पढ़ाई के बिना कोई आगे आ नहीं सकते। पढ़ना बहुत जरूरी है। कैसे पढ़ना है? मन लगाकर पढ़ना है। देखिए चाहूं थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। थोड़े दिन कुछ थोड़े दिन है, थोड़े दिन की बात है। कैसे पढ़ाई करना है? जमकर जुड़कर मिलजुल कर पढ़ाई करना है। अगर मुझे नहीं आया उनको पूछना है, उनको नहीं आए इनको पूछना है। लेकिन आदमी जिंदगी भर सीखना है, आदमी जिंदगी भर सीखना है। जिंदगी खत्म हो जाती है, कोई परफेक्ट नहीं होता। सुनिए छात्रों, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। हम क्या करेंगे? जम जुड़ कर पढ़ाई करेंगे। इम्तिहान में ताल टोंक कर, इम्तिहान मीन्स वाट, एग्जाम परीक्षा क्या करनी है? पास करनी है। इम्तिहान में ताल टोंक कर, ताल टोंकना सन्नद होना। कुश्ती को लड़ेंगे हम, कुश्ती आड़ कर रहेंगे रहे हैं। वो हमें महिला लोगों ने कुश्ती अलग कर देती है, आएगा क्या? नहीं। उसके लिए तालीम करना जरूरी है, प्रैक्टिस तरबेती। उसी तरह एग्जाम पास करने के लिए मन लगाकर मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ती है। देखिए चंद्रपाल सिंह यादव का कहना है, इम्तिहान में ताल टोंक कर कुश्ती को लड़ेंगे हम। परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से करेंगे हम। पास इम्तिहान करना है, इम्तिहान मीन्स अपने लिए है, इम्तिहान मीन्स वाट, एग्जाम परीक्षा है ना? परीक्षा पास करनी है या फेल? पास करनी है। कैसे? अब तो जमाना 90 का है, 99.9 यार बेकार वर्जन के लिए 90 अबव पूछते हैं लोग, लेकिन
99.9 का जमाना चल रहा है अभी, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है बच्चों, छात्रों समझ लो, अभी से करनी है पढ़ाई। नहीं, जब एलकेजी से जो स्टार्ट करते हैं आप, एलकेजी से जो शुरू करते हैं आप पढ़ाई, तब से लेकर अंत तक आपको क्या करना है, अच्छी तरह पढ़ाई करना। समझ में आ गया, पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन, पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे कब मस्ती के दिन। मेहनत से क्या करना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। देखिए चलो, चंद्रपाल सिंह यादव का कहना है, फिर गर्मी की छुट्टी होगी, पाठशाला आपके 12 महीने स्टार्ट नहीं रहते है ना, आपकी मौज मस्ती के लिए अक्टूबर की छुट्टी दी जाएगी, आप गर्मी के 2 महीने की छुट्टी मिल जाएगी। गर्मी के दिनों में आप अपने माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, मामा मामी के साथ, आंटी के साथ, अंकल के साथ कहीं पर भी आप घूम सकते हैं, है ना बच्चों। घूमते या नहीं छुट्टी के दिन, जब छुट्टी मिल जाए, नाना या नानी का घर, मामा या मामी का घर चले जाते हैं, वही बताते हैं। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन, पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, आपके माता पिता, आपके जो भी रिश्तेदार लोग आपको लेकर घूमने के लिए जाएंगे, पिक्चर के लिए जाएंगे या पिकनिक के लिए बुलाकर ले जाएंगे। पिक्चर बोला कर तुम लोग गोजरे, पिकनिक कर तुम लोग कर मौज मजा। ये दिन कब, गर्मी के दिनों में। मेहनत होंगे तब मस्ती के दिन। मेहनत से क्या डरना है, मेहनत से कभी नहीं डरना है। इस दुनिया में मेहनत के बगैर कुछ मिलने वाला नहीं है। परिश्रम विल्लदे ई जगत्तिनल्लि ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯೂ ಕೂಡ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಮಜಲೋವಾ ನೀವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಕ್ಯಾ ಶರ್ತ ಹೈ ಮೆಹನತ್ ಶರ್ತ ಹೈ ಜೋ ಭೀ ಕರೇಗಾ ಸೇವಾ ಜೋ ಕರೇಗಾ ಸೇವಾ ಸೋ ಪಾವೇಗಾ ಮೇವಾ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರ ಯಾರು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಫಲ ದೊರೆ ಹೌದಲ್ವೇ ಜಿನ್ ಡೂಂಡಾ ತಿನ್ ಪಾಯಿಯಾ ಗಹರೆ ಪಾನಿ ಬೈಟ ಹೌ ಬೌರಿ ಡೂಬನ ಡರಿ ರವಿ ಕಿನಾರೆ ಬೈಟ್ ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಜಾತ್ರೋ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾರು ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿ ಸಾವಿನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಸಮುದ್ರದ ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರ ಅವರೇ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯಗಳನ್ನ ತರ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಜಿಗಿಯೋ ಬೇಡೋ ಜಿಗಿಯೋ ಬೇಡೋ ಅನ್ನೋರಿಗೇನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ देखिए रोग नहीं करना है, हमेशा मेहनत से पढ़ाई करनी है, परिश्रम पटो भी आज करे सो आज, आज काल करे सो आज करे सो अब दब में परलय हो गई तो बहुरी करेगा तब। देखिए नाले मारो इंदु मारो इंदु मारो
ईगले मारू, क्योंकि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। मानव जीवन जब तक आप काम नहीं करते तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। पढ़ाई मन लगाकर करनी है, इसलिए चंद्रपाल सिंह यादव मयंक का कहना है, जो भी करे अच्छी तरह से सही ढंग से करना है, पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, समझकर पढ़ना है, मीनिंग समझना है, अर्थ समझना है। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, पापा मम्मी से आपको इनाम लेना है, अध्यापकों से इनाम लेना है, पाठशाला से लेना है। कब इनाम मिलेगा? इनाम मीन्स इनाम, इनाम मीन्स स्वाद। लिखाया होना मैंने प्रशस्ति सर्टिफिकेट मिलेगा ना, इनाम बहुमाना क्या पाना है? इनाम पाना है, इनाम लेना है। कैसे लेना है? पढ़ाई में आगे आकर, खेलकूद में भी पार्टिसिपेट करना है, आपको भाग लेना है। सिर्फ पढ़ना उतना ही नहीं है, हर एक रंग में आपको आगे बढ़ना है। चलो इसलिए कहते हैं पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम। पापा मम्मी माता पिता आपको सब कुछ दिलाने वाले, खिलाने वाले, पिलाने वाले, आपकी मांगे पूरी करने वाले कौन है? आपकी माता पिता। निम्नतमता थोड़ा सा सोचिए उनके बारे में, स्वयं पर विचार मत। मम्मी इतना तकलीफ बर्दाश्त करके आपकी मांगों को पूरी करती है, खिलाना हो, पिलाना हो, सिलाना हो, है ना, कपड़े पहनाना हो, लेकिन पिता दिन रात मेहनत करके किसके लिए? आपके लिए, आपके वास्ते। उनके बारे में उनको कुछ करना है, माता पिता को कुछ करना है। माता पिता कब खुश होते हैं? मेरे बेटा, मेरी बेटी फर्स्ट ट्रेन में पास हुई है। आपको कहते हैं आपको बाइसिकल हो, कपड़े हो, बुक्स हो, मोबाइल हो, सब कुछ आपके मांगों को पूरा करने वाले कौन है? आपके माता पिता है। चाहो निम्नतंदे ताये निरो जीवन पूर्ति और मदद करेगी नहीं। छात्रों मकड़े बच्चों इसलिए समझ लो, माता पिता के प्यारे बनो, समाज के लिए आकर्षक प्राय बनो। देखिए मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। भगवान भगवान मीन्स गॉड। भगवान हमेशा किसके साथ रहता है? किसके साथ? मेहनत करने वालों को ही मदद करता है। माँ दूध कब पिलाती है बच्चे को?
कुछ काम के बगैर, काम के बगैर इस दुनिया में कुछ मिलने वाला नहीं है, मेहनत के बगैर। इसलिए भगवान हमेशा मेहनत करने वालों की मदद करते हैं। समझ में आ गए? मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। जीवन पथ पर बढ़ना है, जीवन पथ पर बढ़ना है, जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी, पढ़ना। देखिए चलो थोड़ी मत करें ना, यावागलो सन मार्ग लिए मुंदोरे। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। देखिए चंद्रपाल सिंह यादव मयंक का कहना है, क्या करना है इस दुनिया में, हम मन लगाकर पढ़ना है। क्या करना है? मन लगाकर पढ़ना है जी, पढ़ना है। ओद बेकु नाओ, ओद बेकु, हमको ऊपर चढ़ना है, नाओ मेले लगेको, मतलब मलगी बन रहे ऊंचे पद पर आना है, में होशियार बनना है। क्या बनना है? होशियार। हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात का हो रहा है। देखिए जून जुलाई अगस्त सितंबर चार महीने होने के बाद आपके एग्जाम आएंगे, हर महीना आपके घटक परीक्षा आएगा, है ना। ऐसे वन ऐसे टू, एपे वन एपे टू एपे थ्री एपे फोर, हमेशा क्लास टेस्ट वगैरह वगैरह रहते रहते हैं। उनको आपको लिखना ही है, पढ़ना ही है, जो भी काम सब करना है, तभी करके निपट पाना है। तभी निपटाने से हम क्या हो जाएंगे? सतत हो जाएंगे। आज के काम कल पर नहीं टालना है, ईवत्ति न चले समझ नारे नार नारे जाए नारे मुझे जाए नारे मोर मने हारो तेरा हारे की नमः। जो आज करना है अभी करके रखना है, काम के बिना। देखिए विनोबा भावे का करना है, विनोबा भावे की एक बात याद आती है, मूर्ख मांझी मूर्ख जो संसारी मांझी सुख, इस दुनिया दुखमय संसार, यह संसार कैसा है? दुखमय है। इस दुखमय संसार को थोड़ा सा सुखमय बनाने के लिए उद्योग के अलावा कोई इलाज नहीं है। ये दुखमय वागिरतक्कंता संसार वन्ना सुखमय वागिसिकोळ्ळबेकादरे उद्योगद वरत्व मध्याव चिकित्से लांतर अदे जर्नाजी मक्कळे चंद्रपाल सिंह यादव देवदेन तप्पंद्र एल्लरू कूडिकोंडु ओट्टागि अभ्यास माडोण परीक्षेयल्लि नावु सन्नद्धरागि कुस्ति अवर कुस्ति अवरल्ल चेन्नागि एग्जाम बरेदु कुस्ति कूडल रेंगे पास निर्धारण करना परीक्षेयन्नु पास माडबेकागिदे ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ, ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪಡನಾ ಹೇ ಜಿ, ಪಡನಾ ಹೇ। ಇದಾದ ನಂತರ ಗರ್ಮಿ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಬರ್ತದೆ, ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಮಜಾ ಮಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಅವಾಗ ಮಸ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡು, ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತ। ಮೆಹನತ್ ಸೇ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಹೇ, ಮೆಹನತ್ ಸೇ ಕಭಿ ನಹೀ ಕರ್ನಾ। ದುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ ದುಡುಕೇನ, ನಿಮ್ ದುಡುಕಿ ಓದುವುದು ಬರೆಯುವುದು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಗೆಯೇ ಆಗ ಮೆಹನತ್, ಮೆಹನತ್ ಸೇ ಕ್ಯಾ ಡರ್ನಾ ಹೇ, ಪಡನಾ ಹೇ ಜಿ, ಪಡನಾ ಹೇ।
आप अच्छी तरह पढ़ने लगेंगे तो आपकी मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, आपको मनचाहे इनाम दिला देंगे, आपको मनुष्य के बंदा बहुमान अगर पढ़ो साइकिल अगर साइकिल कोर्स कर दो, गाड़ी अगर गाड़ी कोर्स कर दो, मोबाइल ऑलरेडी बड़ी सुविधा ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದಿ, ಪದ್ಯ ಪಡ್ಕರ್ ಆಪೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಹೈ, ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಲಿಖನಾ ಹೈ, ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಹೋನೆಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಲಿಖನಾ ಹೈ, ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋನೆಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ಹಮ್ ಕಲ್ ದೇಖೆಂಗೆ ಇಸ್ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಾರೇ आपको लिखा. धन्यवाद.